हेलो नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं अपनी किडनी फेलियर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ कि कैसे मेरी किडनियाँ रिकवर होना शुरू हुई और कैसे मेरी डायलिसिस बंद हुई। मेरी डायलिसिस 8 महीने तक चल चुकी है और 1 साल से ज़्यादा दिन हो गया मेरी डायलिसिस को बंद हुए। तो मैं अपने वीडियोस में ये भी बताता हूँ और किडनी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जिसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो गया है। इसकी रिसर्च कैलिफोर्निया में चल रही है, कई सारे साइंटिस्ट इस पर लगे हुए हैं कि एक ऐसी किडनी बनाई जाए जो हमारी डैमेज किडनीज को रिप्लेस करके वहाँ लगाई जाए, जिसके लिए किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े और ना ही किसी नए किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े और ऑर्गन की ज़रूरत ना पड़े। एक ऑपरेशन करके एक डिवाइस फिट कर दिया जाए या इंस्टॉल कर दिया जाए अपनी बॉडी में, आपके बॉडी में, जो आपकी किडनीज का एज इट इज़ काम करे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो इस चीज़ पर रिसर्च चल रही है और प्री क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं और जो सक्सेसफुल हो चुका है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये मैं अपने आपसे नहीं दे रहा हूँ, ये अपने वेबसाइट पे इन्होंने अपडेट किया हुआ है कि हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस बनाई जा रही है जो बायो रिएक्टर्स और हीमोफिल्टर के कंबाइन से एक ऐसी डिवाइस बनाई जा रही है जिससे आपका जो किडनी का काम है, जो आपकी नेचुरल किडनी का काम है, वो ये आर्टिफिशियल ढंग से करेगी बिना किसी बाहरी पावर के। और ये जो पावर मिलेगी वो आपके हार्ट से जो ब्लड पंप करेगा उसी से इसको पावर मिलेगी और उसी से वो आपका कंटिन्यू ब्लड का फिल्ट्रेशन करता रहेगा, आपके अंदर अच्छी आयंस और वाटर का बैलेंस बराबर रखेगा। इसमें आपके ही सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार इम्प्लांट होने के बाद ही आपकी किडनियाँ काम करती रहेगी। तो अब इसका स्टेटस की बात करते हैं। तो इसकी स्टेटस अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में है और वो सक्सेसफुल हो चुका है जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल किया है, उसमें ये आर्टिफिशियल किडनी सक्सेसफुली वर्क कर चुकी है। और अगर इस पर हम बहुत सारे अभी और चेंजेस करने हैं जिसके बाद हम फ्यूचर में इसको ह्यूमंस पे भी ट्रायल कर सकते हैं, जिसके अगर सक्सेस रेट ज़्यादा रहा तो इनको मार्केट में भी उतारा जा सकता है। तो स्टेटस तो भी प्री क्लिनिकल ट्रायल है, यानी कि अभी ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं और अभी ये भी कह सकते हैं कि अभी ट्रायल करना शुरू ही नहीं हुआ है। इन्होंने बाहर ही, बॉडी के बाहर ही अभी ट्रायल किया है और उस ट्रायल को इन्होंने सक्सेसफुल माना है क्योंकि जो लिविंग सेल्स इसमें हैं वो डैमेज भी नहीं हुई। उन्होंने पूरा ट्रायल किया और उसमें लिविंग सेल डैमेज नहीं हुई और किडनियाँ साफ काम किया उन्होंने और उन्हें वेस्ट भी निकाला है। उनका कहना ये भी है अगर ये ट्रायल इसी तरह सक्सेसफुल होते रहे तो हम इन किडनियों को बहुत जल्द ही ह्यूमंस पे भी ट्रायल करेंगे और जल्द से जल्द हो सकता है कि इनको मार्केट में भी उतार दें। मार्केट में उतरने के बाद किडनी पेशेंट के लिए एक रामबाड़ इलाज होगा जिसकी वजह से वो एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा जो कि डायलिसिस है, और ना ही ऑर्गन्स के लिए इतने दिनों तक इंतज़ार करना होगा और अपनी लाइफ को स्पॉइल करना होगा, और ना ही आपको इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों की ज़रूरत होगी। जैसे आपकी किडनी नेचुरल होती हैं वैसे ही ये भी किडनियाँ काम करेगी और बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के एकदम इम्प्लांटेबल आर्टिफिशियल किडनी की तरह। तो ये थी इनकी लेटेस्ट न्यूज़, यानी कि अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है जो सक्सेसफुल हुआ है। और अगर आपको इसके बारे में अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किडनी और इन किडनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देता हूँ जो आपको
मिलती रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी डायलिसिस कैसे बंद हुई और कौन से दवाओं से बंद हुई, तो आप मेरे चैनल पर ही कई सारे वीडियोस पे डाले हुए हैं, आप जाके उनको देखिए, डॉक्टर से बात कीजिए। वो जब कहें कि आप दवा कर सकते हैं, मैं सही कर सकता हूँ, तो आप उनके बाद दवा लेने जा सकते हैं। क्योंकि मुझे सीकेटी था, तो मैं बस फैक्ट बताता हूँ, मैं ना ही कहता हूँ कि आप जाके वहाँ पे दवाया लें, किसी को मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सही और सच्चाई बताता हूँ जो मेरे साथ इस समय हो रहा है। मेरी डायलिसिस बंद हो चुकी है और एक साल से ज़्यादा या 1.5 साल भी कह सकते हैं हो चुका है, और इसीलिए मैं सिर्फ फैक्ट्स बताता हूँ, आप जाकर उसकी जानकारी लें। और अगर आपको लगता है कि है सही है, तो आप जाकर दवा लें। मेरे इसी चैनल पर उससे रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कहाँ पे डॉक्टर है, किस डॉक्टर से लेता हूँ, या एड्रेस क्या है, कैसे लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखिए, और अगर आपको सही लगे तो जाकर दवा लें। तो ये थी आज की वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगे, और फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। और कमेंट में पूछिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए।